नमस्कार दोस्तों, महेश भैरंसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रृंखला पर जो हमारा धरना प्रदर्शन है, वो आज धरना प्रदर्शन का दूसरा चरण है। और ये जो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है, तब से जो बैकवर्ड के ऊपर अदर बैकवर्ड जो क्लासेज है, उसके जो फर्जी इनकाउंटर पुलिस के माध्यम से किए जा रहे हैं, उस विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि जो तुम्हारा तानाशाही शासन है, इसको बंद किया जाए। और हाल ही में पुष्पेंद्र यादव जी की झांसी में जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, फर्जी तरीके से जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथ ही है। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अगर ये सरकार इस तरह में नहीं मानती है, तो हम लोग अभी चरणबद्ध तरीके से अगला हमारा चरण 30 नवंबर को जेल भरो आंदोलन होगा। इसके बाद जो राज्य स्तरीय बहुत बड़ी रैली करेंगे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बात करेंगे। आज कहाँ है किस मांग के लिए? हम लोग जनपद बांदा के कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। और ये जो हमारा 10 सूत्रीय ज्ञापन है, ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सौंपा जाना है। ये हमारे आज के कार्यक्रम में रैली प्रदर्शन का है। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी इसी तरीके से हैं, ये मैंने बताया कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी हुई है, तब से ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।